अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बात करने लगे हैं एक अबैंडन चैप्टर की, यानी जिसको मैंने छोड़ दिया था बीच में, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3। और इसका ये टॉपिक है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं नर्व इंपल्स। तुम लोग भी दिल दिल में गालियाँ देते होगे कि यार क्या बद्दा है, बीच बीच में चैप्टर छोड़ के चला जाता है, बट क्या करें यार, बहुत मज़ा आता है। सीरियसली दिल नहीं करता कभी कभी जो है ना वो एक चैप्टर कंटिन्यू करने का, या उसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसको पढ़ाने का दिल नहीं करता। सो दैट इज़ वाई कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, बट करवाने सारे हैं, इन दी एंड सारे कम्प्लीट हो जाएंगे। तो माजरत इसके लिए जो मैं ये काम करता हूँ, जो जो इनकम्प्लीट है इंशाल्लाह वो मैं जल्द कम्प्लीट करवा दूँगा। अच्छा भाई, तो नर्व इंपल्स जो है बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, पहली 3 लाइन के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल या इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज जो है ना, ये कौन डेवलप करता है या कौन जनरेट करता है? न्यूरॉन। तो जो हम पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम को बनाने वाले 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन्स होते हैं और एक न्यूरोग्लिया होते हैं। न्यूरोग्लिया जो है ना वो बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स हैं, वो बैठ के तालियां बजाते हैं। मेन काम जो करते हैं वो न्यूरॉन्स करते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है ना वो सेल हैं जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट भी करते हैं और उसे फैलाते भी हैं, उसे आगे भी लेके जाते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, प्रोपेगेट भी करते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमने देखना ये है कि न्यूरॉन्स के अंदर ऐसा क्या है, या न्यूरॉन्स जो है वो किस तरीके से जो है वो नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं और क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फर्स्ट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन एक्शन पोटेंशियल, देन प्रोपेगेशन, देन साइनाप्स, ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। देखो भाई, जब न्यूरॉन जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा, यानी फॉर एग्जांपल इस वक्त आपका कौन सा न्यूरॉन है जो काम नहीं कर रहा, यानी जिसके थ्रू कोई मैसेज पास नहीं हो रहा? मे बी आपका जो टेस्ट रिसेप्टर है, अगर आप कुछ ठूस नहीं रहे तो आपके जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो न्यूरॉन्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे आपके। सिमिलरली अगर रूम में कोई चीज़ इस रूम में कोई स्मेल नहीं है तो आपके जो नोज़ के अंदर रिसेप्टर्स हैं, जो न्यूरॉन्स जो हैं वो स्मेल ले जाने वाले हैं, वो अभी काम नहीं कर रहे। तो बेसिकली जिस वक्त न्यूरॉन के थ्रू कोई मैसेज नहीं जा रहा होता, जिस वक्त न्यूरॉन वर्क नहीं कर रहा होता, यानी वो अनस्टिमुलेटेड होता है, उस वक्त अगर उस पर इलेक्ट्रोड लगाकर देखा जाए, माइक्रो इलेक्ट्रोड लगाकर देखा जाए, तो हमें एक अदद वोल्टेज मिलता है उसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस। वो वोल्टेज जो है वो कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके ऊपर अभी आकर बात करते हैं। ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद क्या करते हैं, न्यूरॉन को छेड़ा जाता है, या न्यूरॉन किसी भी वजह से अगर छिड़ जाए, यानी उसे कोई ना कोई मैसेज मिले, कोई ना कोई स्टिमुलस मिले। फॉर एग्जांपल आपकी ज़बान पे कोई चीज़ रख दी जाए तो आपको टेस्ट आने लगेगा, या आपकी नाक के आगे कोई चीज़ रख दी जाए तो आपको स्मेल आने लगेगी, या आपको थप्पड़ मारा जाए तो ये आपके लिए टच स्टिमुलस है। तो बेसिकली जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट होगा, और जब ये न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तब इसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू होंगे। वो चेंजेस पहले तो जिस हिस्से पे स्टिमुलस आया है वहाँ आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एक पॉइंट के ऊपर टच किया जाए, स्किन पे किसी एक पॉइंट के ऊपर फिंगर से टच किया जाए, तो वहाँ जो न्यूरॉन है उसके एक छोटे से हिस्से के अंदर चेंज आएगा। ये जो छोटे से हिस्से के अंदर चेंज आया है ये चेंज कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये जो छोटे से हिस्से में चेंज है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास न्यूरॉन है बड़ा सा, मैंने किया है यहाँ पे टच, तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब जो चेंज यहाँ आया था ना वो मूव करना शुरू कर देगा पूरे न्यूरॉन के अंदर, ये पूरे न्यूरॉन में चलना शुरू कर देगा, यानी ये जो मैसेज यहाँ पर जनरेट हुआ है जिसे आप एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये इसमें भागना शुरू कर देगा आगे की तरफ। इस स्टेप को हम नाम देते हैं प्रोपिगेशन का, यानी ये जो एक्शन पोटेंशियल था वो चलने लगा है या प्रोपिगेट हो रहा है या फैल रहा है। अच्छा, एक वक्त आएगा कि ये जो न्यूरॉन है, आपको पता है कि हमारे जो कनेक्शंस होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं, यानी एक न्यूरॉन फिर दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है। आपने पढ़ा है सेंसरी न्यूरॉन होता है, तो ये तो हो गया सेंसरी न्यूरॉन जो कि स्टिमुलस लेके जा रहा है। फिर ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन को मैसेज देगा जिसे आप इंटर न्यूरॉन कहते हैं, वो इसे पढ़ेगा, समझेगा, फिर इंटर न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को मैसेज देगा। तो ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कहानी जा रही है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है, तो यहाँ जो मैसेज जनरेट हुआ था इस छोटे से पॉइंट के अंदर उसे हमने कहा एक्शन पोटेंशियल। जब उसने चलना शुरू कर दिया तो हमने कहा क्या हो रही है, प्रोपेगेशन। यहाँ पर आकर ये न्यूरॉन ख़त्म हो गया, अब ये क्या करेगा, अपना मैसेज इसको पास करेगा। जो ये मैसेज पास करता है, ये जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन होता है, ये कहलाता है साइनैप्स। जब ये साइनैप्स के थ्रू मैसेज आगे पास करेगा तो यहाँ पे दोबारा जनरेट होगा क्या, एक्शन पोटेंशियल। फिर वो चलना शुरू करेगा इस न्यूरॉन के अंदर, तो हम कहेंगे प्रोपेगेशन। जब ये न्यूरॉन एंड होगा तो यहाँ से अगला न्यूरॉन स्टार्ट होगा, इन दोनों के दरमियान अगेन जो कनेक्शन बनेगा वो साइनैप्स कहलाएगा। इससे ये मैसेज ट्रांसफर होकर यहाँ आएगा, इस छोटे से पॉइंट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और फिर ये प्रोपेगेट करेगा। दिस इज़ हाउ नर्व इंपल्स वर्क्स, दिस इज हाउ नर्व इंपल्स इज जनरेटेड एंड प्रोपेगेटेड, और वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रैवल करती है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि किस तरह से एक एक स्टेप के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक्चुअल डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, जिस तरह मसल की मेम्ब्रेन जो होती है, देखिए सेल की मेम्ब्रेन जो होती है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
या सेल मेम्ब्रेन, या एक और वर्ड यूज़ होता है प्लाज्मा लीमा। बिल्कुल इसी तरह से जो मसल की मेम्ब्रेन होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सार्कोलीमा। नर्व न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है न्यूरोलीमा। तो अगर मैं आपको न्यूरोलीमा का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होगा, जिस तरह बाकी मेम्ब्रेन्स होती हैं दो चीज़ों से मिलकर बनती हैं, एक उसके अंदर लिपिड होता है और एक उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये लिपिड की एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। कौन सा लिपिड है? ये फॉस्फोलिपिड है। और बीच बीच में आपको ये जो डिफरेंट कलर के स्ट्रक्चर, एक ही कलर के हैं बेसिकली, पर्पल कलर के जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दीज आर प्रोटीन्स। और आपको पता है ये कौन से प्रोटीन्स हैं? इन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिनका काम होता है ये बिहेव करते हैं एज अ चैनल, या ये बिहेव करती हैं एज अ कैरियर, और ये ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है ये जनरेट कैसे होता है? जब केमिकल्स जो है ना वो मूव करते हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर, जब केमिकल्स मूव करते हैं तो वो किसके थ्रू मूव करेंगे? क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, ये जो आयंस हैं, ये चार्ज हैं। और आपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा होगा कि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो डायरेक्टली लिपिड वाले पोर्शन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो इन प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं। अच्छा, एक्चुअल डायग्राम तो ये है, बट हम इस तरह नहीं बनाएंगे, हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बनाएंगे क्योंकि मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है। खैर, तो पहले बात कर लेते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। हम बात करते हैं उस वक्त की जब न्यूरॉन जो है ना उसकी हालत, उससे कोई मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन का समझ लें टुकड़ा है, पूरा न्यूरॉन भी नहीं है, हमने न्यूरॉन का एक पीस निकाला है, ठीक है जी, ये न्यूरॉन का पीस है। अच्छा, इसके अंदर ये न्यूरॉन की लेयर है यानी मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये न्यूरॉन के अंदर का पार्ट है, ये न्यूरॉन की लेयर यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, जिसे आप न्यूरोलीमा कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लगे होते हैं कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो एक मैं बना रहा हूँ इस कलर से, ठीक है, दिस इज़ एन इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक बना दें या दो बना दें? एक दो बना देता हूँ। अच्छा, ये वो प्रोटीन है जो बेसिकली किसको अलाउ करती है अंदर जाने के लिए? ये अलाउ करती है सोडियम को अंदर जाने के लिए। गाइस, बहुत टाइम लगेगा, मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा भाई, थोड़ी बहुत बन गई डायग्राम, बहुत टाइम लगता है यार माउस से बनाना जो है, बहुत अजाब है सीरियसली। नाउ दिस इज़ द कट सेक्शन नहीं, सॉरी, दिस इज़ अ पीस ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है, ये एक पूरा न्यूरॉन नहीं है क्योंकि आपको कहीं डेंड्राइट नज़र नहीं आ रहे, कहीं सोमा नज़र नहीं आ रहा, तो ये बेसिकली एक डेंड्राइट का समझ लें, या किसी भी न्यूरॉन का जो है वो एक छोटा सा पार्ट समझ लें। ये जो रेड में आपको नज़र आ रही है ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, जिसे न्यूरोलीमा कहते हैं, ठीक है। मैंने पूरी मेम्ब्रेन नहीं बनाई, मैंने आपको बताया था मैं पूरी नहीं बनाऊंगा। और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो रेड वाला पोर्शन है ये फॉस्फोलिपिड है, और ये जो कलरफुल आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जिन्हें मैंने कहा था ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। मैंने बहुत बड़ी बनाई है सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, इस वक्त जो है ना ये न्यूरॉन है रेस्टिंग कंडीशन के अंदर, यानी इससे कोई मैसेज पास नहीं हो रहा, ये है रेस्टिंग न्यूरॉन। अब इस रेस्टिंग न्यूरॉन की सबसे पहले आप हालत देखें। इस रेस्टिंग न्यूरॉन की हालत कुछ इस तरह है कि इसके बाहर, ये न्यूरॉन के अंदर का एनवायरनमेंट है, ये न्यूरॉन के बाहर का एनवायरनमेंट है। न्यूरॉन के बाहर कौन से आयन ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं? सोडियम के आयन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। देखिए, अंदर जो है ना वो सोडियम कम है, बाहर ज़्यादा है, तो हम अंदर वाले को हटा ही देते हैं, हम कहते हैं कि न्यूरॉन के बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर कम है, ये अंडरस्टूड बात है। तो हम कह रहे हैं न्यूरॉन के बाहर कौन सा आयन ज़्यादा है? सोडियम। और न्यूरॉन के अंदर कौन सा आयन ज़्यादा है? पोटेशियम। पोटेशियम बाहर देखें आपको कम नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, बस ये दिखाने के लिए था कि पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, और सोडियम बाहर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। अच्छा, आप देखें सोडियम के ऊपर भी प्लस चार्ज है और पोटेशियम के ऊपर भी प्लस चार्ज है, तो न्यूरॉन जो है ना वो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए था? बाहर से भी, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो बाहर से भी पॉजिटिव होनी चाहिए थी क्योंकि बाहर भी पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर भी पॉजिटिव होनी चाहिए थी क्योंकि अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बाहर से तो पॉजिटिव होती है बट अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है। उसका रीज़न ये होता है कि न्यूरॉन के अंदर कुछ ऐसे आयंस, कुछ ऐसी प्रोटीन्स, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि जो कि न्यूरॉन का एनवायरनमेंट अंदर से ओवरऑल नेगेटिव बना देते हैं। तो ऑल्दो अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा हैं, ऑल्दो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट स्टिल कुछ और नेगेटिव आयंस की वजह से जो अंदर का एनवायरनमेंट है न्यूरॉन का वो नेगेटिव है। तो रेस्टिंग न्यूरॉन के बारे में ये चार पांच बातें हैं। नंबर वन, जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है तो सोडियम बाहर ज़्यादा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा। नंबर टू, न्यूरॉन जो है ना वो बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होता है,
न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है। क्या रीज़न होता है इस पोलैरिटी का, इस डिफरेंस ऑफ चार्ज का? बिकॉज न्यूरॉन के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि इसे नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट ने क्या किया इस वक्त, यानी जिस वक्त न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में था, इलेक्ट्रोड लगाकर चेक किए, तो इन्हें ना इन्हें एक डिफरेंस मिला पोटेंशियल का, ये जिसे आप वोल्टेज कहते हैं फिजिक्स के अंदर। इन्होंने मेजर किया कि यहाँ पर एक अदद वोल्टेज मौजूद है। जब इस वोल्टेज को मेजर किया वोल्ट मीटर के ज़रिए, तो इन्हें ये मिला -40 से लेकर -90 मिलीवोल्ट तक, -90 मिलीवोल्ट तक, ठीक है? यानी वेरिएबल था, कभी कुछ मिल रहा था कभी कुछ मिल रहा था, या किसी न्यूरॉन में कुछ मिल रहा था किसी न्यूरॉन में कुछ मिल रहा था। तो एवरेज जो निकाला, एवरेज कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बीच की कोई राह निकाल लेते हैं, तो -40 और -90 के दरमियान में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा -65। तो ये जो -65 मिलीवोल्ट का वोल्टेज है, ये बेसिकली कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी ये वो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये वो वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन चार्जेस। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है जो कि रेस्टिंग न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में हमें मिलता है, ये कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसकी जो वैल्यू है वो है -65 मिलीवोल्ट। ये जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि न्यूरॉन्स जो है वो इंटरनली नेगेटिवली चार्ज है। ओवरऑल जो आप देखेंगे इसके ऊपर चार्ज, वो हम न्यूरॉन के अंदर की बात करेंगे। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये न्यूरॉन के अंदर के एनवायरनमेंट को शो कर रहा है। तो ये पहला स्टेप है हमारे पास जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। किसके ऊपर स्टडी किया था? ये स्क्विड्स के ऊपर। और उन्होंने देखा कि एक अनस्टिमुलेटेड, यानी जिस न्यूरॉन के थ्रू मैसेज नहीं जा रहा, वो इनएक्टिव न्यूरोलीमा जो है, जिसे न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके ऊपर एक चार्ज है जो कि -65 मिलीवोल्ट का है। ये -65 मिलीवोल्ट बेसिकली एवरेज है, और ये किसके दरमियान का है? -40 और -90 मिलीवोल्ट के दरमियान का है। यानी -40 से लेकर -90 की रेंज है, और उसमें से एक वैल्यू इन्होंने निकाली हुई है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो जिस कलर का आयन बनाया है उसी कलर का कोई ना कोई यहाँ पर कैरियर मौजूद है। तो ये बेसिकली जो आपको प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, ये जो पर्पल वाली प्रोटीन है ये सोडियम के लिए है, इससे सोडियम जो है वो पास होगा। और ये जो ग्रीन कलर की प्रोटीन्स आपको नज़र आ रही हैं ये पोटेशियम के लिए हैं, इससे पोटेशियम पास होगा। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि सोडियम कहाँ जाएगा और पोटेशियम कहाँ, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखना है डिफ्यूजन का ग्रेडियंट। मैंने आपको कहा कि सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो ऑब्वियसली सोडियम अंदर की तरफ जाएगा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो पोटेशियम बाहर की तरफ आएगा। इस वक्त जिस वक्त न्यूरॉन के थ्रू मैसेज नहीं जा रहा, यानी न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में है, अगर आप गौर करें तो सोडियम के दरवाजे भी बंद हैं और पोटेशियम के दरवाजे भी बंद हैं। तो ये छह बातें हो गई तकरीबन। नंबर वन, जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो सोडियम के आयन बाहर ज़्यादा, पोटेशियम के आयन अंदर ज़्यादा। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो बाहर से पॉजिटिवली चार्ज, अंदर से नेगेटिवली चार्ज। और जो प्रोटीन्स हैं उनके दरवाजे जो हैं वो बंद हैं और इस वक्त मूवमेंट नहीं हो रही। अब अगर हम बात करें कि इस न्यूरॉन को किसी तरीके से स्टिमुलेट किया जाए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था अगर आप कोई अगर आप कुछ खा नहीं रहे, कुछ टेस्ट नहीं कर रहे और आपकी ज़बान पे कुछ रख दिया जाए, तो आपके वहाँ के जो न्यूरॉन है टेस्ट रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे और न्यूरॉन को मैसेज देंगे। अब जब न्यूरॉन को मैसेज मिलेगा या कहीं पर टच किया जाए, तो जिस पॉइंट के ऊपर टच किया जाएगा न्यूरॉन के उस हिस्से के अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू होंगे। Those changes are known as action potential. अब ये जो action potential होता है इसके दो steps होते हैं। एक step कहलाता है depolarization और दूसरा step कहलाता है repolarization। तो ये हमने देखना है कि action potential के अंदर अब हमें change क्या नज़र आएगा। तो देखें, ये हालत थी जब neuron rest में था, अब इसे जब message मिला है, जब ये stimulate हुआ है, तब इसकी हालत में कुछ change आया है। क्या आप देख सकते हैं क्या चेंज आया है? हमें नज़र आ रहा है कि जो सोडियम के दरवाजे हैं, जो सोडियम के चैनल्स हैं, उनके दरवाजे खुल गए हैं। जब सोडियम के दरवाजे खुल जाएंगे तो सोडियम चूँकि बाहर ज़्यादा है अंदर कम, तो सोडियम अंदर आना शुरू करेगा। ठीक है, सोडियम इन दरवाज़ों से अंदर आना शुरू करेगा। अब ज़रा गौर से बात सुननी है। सोडियम है एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, राइट? बाहर से हमने पहले देखा था कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर से नेगेटिवली चार्ज है। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, हम इसे बाहर से अंदर बुला रहे हैं। तो बेसिकली हम अंदर क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, हम अंदर पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं। तो जब अंदर इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाता है तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन अंदर से क्या हो जाएगी,
अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि सोडियम के आने से अंदर पॉजिटिविटी फैल जाएगी। और चूंकि सोडियम बाहर से जा रहा है, यानी बाहर पहले मौजूद था, अब वो अंदर आ रहा है, तो यानी यहाँ से एब्सेंट हो गया, तो सोडियम ने जो पॉजिटिविटी फैलाई हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बाहर से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो पोल्स थे, पॉजिटिव जहाँ था और नेगेटिव जहाँ था, अब वो रिवर्स हो गए। पहले पॉजिटिव आउटसाइड था, नेगेटिव इनसाइड, अब जो चार्ज है वो नेगेटिव आउटसाइड और पॉजिटिव इनसाइड हो गया। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, ये जो रिवर्सल हुआ है पोलैरिटी का, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, और ये एक्शन पोटेंशियल का एक स्टेप है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी सोडियम जब अंदर आना बंद हो जाएगा, तो आपको हालत कुछ इस तरह की नज़र आएगी। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो सोडियम जो बाहर मौजूद था वो अंदर आ गया। सोडियम के अंदर आने से क्या हुआ, पॉजिटिविटी अंदर फैल गई, और सोडियम चूंकि बाहर से चला गया तो बाहर जो है वो नेगेटिविटी फैल गई। ये कहलाता है डीपोलराइजेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया। अच्छा, एक पॉइंट आएगा कि सोडियम के दरवाजे जो है ना, ये बंद हो जाएंगे। अभी तो आपको खुले हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि सोडियम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हमने देखना है कि ये पॉइंट कौन सा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस वक्त न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होता है, उस वक्त जो वोल्टेज होता है इसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो -65 मिली वोल्ट है। और मैंने बताया ये हम अंदर से मेजर कर रहे हैं, ये जो माइनस का साइन है आपको अंदर नज़र आ रहा है। अब अगर आप गौर करें तो इस वक्त न्यूरॉन जो था वो -65 मिली वोल्ट पे था, और इसे क्या किया गया, इसे स्टिमुलेट किया। जब इसे स्टिमुलेट किया तो सोडियम के दरवाजे खुल गए और सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन को ऐड कर रहे हैं अंदर, तो बेसिकली आप अंदर एक पॉजिटिव चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं इस -65, फॉर एग्जांपल 10 सोडियम अंदर आ गए, तो मैं इसमें ऐड कर दूं +10, जब -65 में मैं +10 ऐड करूंगा तो ये चला जाएगा किस तरफ, -55 की तरफ, और 10 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये चला जाएगा -45 की तरफ। चूंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन अंदर आ रहा है तो अंदर की नेगेटिविटी कम होती जा रही है, तो -65 से 55, -55 से -45, -35, और ये होते 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 -5 और फिर 0 पे चली जाएगी। लेकिन अभी भी सोडियम के दरवाजे बंद नहीं हुए, सोडियम मुसलसल अंदर आ रहा है, तो मुसलसल अंदर आने की वजह से अब ये जाना शुरू हो जाएगा प्लस साइड पे, ये जाएगा +10 की तरफ, +20 की तरफ, +30 की तरफ, और एक वक्त आएगा ये पहुंच जाएगा +40 की तरफ। जिस वक्त ये हिट करेगा +40, यानी जिस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टेज है वो +40 पे जाएगा, उस वक्त ये जो सोडियम के दरवाजे हैं ये बंद हो जाएंगे। यानी ये वाला जो वक्त आपको नज़र आ रहा है कि सोडियम अंदर आ गया है और दरवाजे सोडियम के बंद हो गए हैं, बेसिकली इस वक्त ये जो वोल्टेज है वो पहुँच चुका है किस पॉइंट के ऊपर, +40 मिली वोल्ट के ऊपर। तो +40 मिली वोल्ट वो पॉइंट होता है, या ये वो वोल्टेज होता है जिस वक्त सोडियम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अब फर्दर सोडियम अंदर नहीं आ सकता। जिस वक्त +40 हिट करता है सोडियम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन इसी वक्त पोटेशियम के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, तो आपको कंडीशन कुछ इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पे पोटेशियम के दरवाजे बंद हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो पोटेशियम के दरवाजे खुल गए हैं। इस वक्त जो वोल्टेज है वो है +40 मिली वोल्ट। अब चूंकि पोटेशियम अंदर ज़्यादा था और बाहर कम था, तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाना शुरू करेगा, तो ये पोटेशियम यहाँ से बाहर जाना शुरू करेगा। अब देखिए, अंदर से आप क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन निकाल रहे हैं, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, तो +40 से किस तरफ जाएगा, +30, और पोटेशियम बाहर जाएगा तो ये किस तरफ जाएगा, +20, और पोटेशियम बाहर जाएगा तो +10, 0 पे आ जाएगा, लेकिन मुसलसल पोटेशियम बाहर जाता जा रहा है तो ये जाएगा -10, -20, -30, और ये जाता रहेगा अनलेस ये पहुंच ना जाए दोबारा से किस पे, -65 मिली वोल्ट पे। और जब ये वोल्टेज दोबारा से -65 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा तो पोटेशियम के दरवाजे हो जाएंगे बंद। अच्छा, दूसरी बात, आपने पोटेशियम अंदर से निकाल दिया और बाहर छोड़ दिया, यानी आपने एक पॉजिटिवली चार्ज आयन अंदर से निकाल दिया, तो अंदर दोबारा क्या फैल जाएगी, अंदर दोबारा से नेगेटिविटी फैल जाएगी। और आपने एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बाहर ऐड किया है तो बाहर क्या फैल जाएगी, बाहर पॉजिटिविटी फैल जाएगी। तो देखें, पोल्स दोबारा से वही हो गए जो हमने कहानी स्टार्ट की थी, तब जो पोल्स थे बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव वही हो गए, यानी पोल्स दोबारा से रिवर्स होके आ गए। दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, और ये दोनों स्टेप्स, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये बेसिकली किसके होते हैं, एक्शन पोटेंशियल के। तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो है ये कंप्लीट होता है।
अब अगर आप गौर करें तो क्या ये न्यूरॉन जो है ये वापस से रेस्टिंग कंडीशन में आ गया है या नहीं? गौर से देखते हैं, दोनों दरवाजे हमें बंद नज़र आ रहे हैं, सोडियम के भी दरवाजे बंद हैं, पोटेशियम के भी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। चार्ज अगर आप देखें तो बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आयन्स अगर आप देखें, बाहर कौन सा आयन ज़्यादा है? पोटेशियम। अंदर कौन सा आयन ज़्यादा है? सोडियम। जबकि जब हमने न्यूरॉन को रेस्टिंग हालत में देखा था तो बाहर सोडियम ज़्यादा था और अंदर पोटेशियम ज़्यादा था, यानी जो आयन्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर नहीं है, वो गलत जगहों पर हैं। तो अब करना क्या है, इस पोटेशियम को लाना है अंदर और इस सोडियम को फेंकना है बाहर। इसके लिए जो थर्ड टाइप की प्रोटीन लगी हुई होती है मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पम्प, ये ऐसा पंप है जो एटीपी से चलता है। और आपने चैप्टर 14 में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि अगर कोई पंप है जो एटीपी से चल रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। तो ये पंप अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं, तो ये पंप अगर आप देखेंगे जो बीच मैंने बनाया है, ये क्या करेगा, दो पोटेशियम को बाइंड करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर से बंद हो जाएगा और नीचे से खुल जाएगा, तो पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। फिर ये तीन सोडियम को बाइंड करवाएगा यहाँ पे, और फिर ये नीचे से बंद होगा, ऊपर से खुल जाएगा, तो सोडियम बाहर चले जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये दोबारा से आयन्स को उसी हालत में लेकर आता है जिस हालत में ये रेस्टिंग कंडीशन में थे। क्योंकि अगर न्यूरॉन क्योंकि अगर जो आयन्स हैं वो दोबारा से उसी कंडीशन में नहीं आएंगे, तो ये न्यूरॉन दोबारा से मैसेज जनरेट करने के या नर्व इम्पल्स जनरेट करने के काबिल नहीं होगा। अब ज़रा एक्चुअल डायग्राम देख लेते हैं, ये एक्चुअल डायग्राम थी, इसमें मैं आपको समझा दूँ। ये हमारे पास सोडियम का पंप है, ठीक है, ये हमारे पास पोटेशियम का पंप है, और ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये आई थिंक दोनों दिए हुए इन्होंने सोडियम पोटेशियम पंप दिए हुए। एक्चुअली ये एक ही पंप होता है जो दोनों काम करता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होगा तो ये भी बंद होगा, ये भी बंद होगा। बाहर से जो न्यूरॉन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अंदर से जो न्यूरॉन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और सोडियम बाहर ज़्यादा होगा, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होगा। जिस वक्त इसे मैसेज मिलेगा, सोडियम के दरवाजे खुलेंगे, सोडियम अंदर आना शुरू होगा। कब से कब तक आएगा, -65 से सोडियम अंदर आता रहेगा, कब तक, +40 तक। +40 के ऊपर आके सोडियम के दरवाजे बंद हो जाएंगे और अब पोटेशियम के दरवाजे खुलेंगे, पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा। पोटेशियम कब तक जाता रहेगा, जब तक +40 से -65 तक ना चला जाए, उसके बाद पोटेशियम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये जो पंप है ये काम करेंगे, तीन सोडियम जो है ये अंदर से बाहर फेंकेंगे, ये जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं ये सोडियम के हैं, और दो पोटेशियम ये बाहर से अंदर फेंकेंगे। इस तरह से ये सोडियम और पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन थी बाहर और अंदर, वो दोबारा से मेंटेन करेंगे। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा है अभी तक एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के बाद जो थर्ड हमारे पास स्टेप होता है उसे हम कहते हैं प्रोपिगेशन। अच्छा भाई, अब ये प्रोपिगेशन क्या भला है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक जो हमने चेंजेस देखे वो न्यूरॉन के एक छोटे से हिस्से में आ रहे हैं, न्यूरॉन काफ़ी बड़ा है। अब वो चेंजेस जो एक हिस्से में आए हैं वो जब चलना शुरू कर देंगे न्यूरॉन में, पूरे के पूरे न्यूरॉन में फैलना शुरू कर देंगे, तो हम उसे नाम देते हैं प्रोपेगेशन का। आपको यहाँ पर मिल भी जाएगी कि जो एक्शन पोटेंशियल था, जो चेंज छोटे से रीजन के अंदर आया था, एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक टेम्प्रेरी और लोकलाइज रिवर्सल है पोलैरिटी का, यानी एक छोटे से एरिया के अंदर आता है। अब अगर वो पूरे न्यूरॉन में फैलना शुरू कर दे तो हम उसे प्रोपेगेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बना रहा हूँ ये पूरा न्यूरॉन, ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है अब ये पूरा न्यूरॉन है, यहाँ पर टच किया गया था, जब यहाँ पे टच किया गया था तो यहाँ के सोडियम के दरवाजे खुले, ठीक है, सोडियम अंदर आया, आता रहा कब तक, -65 से स्टार्ट हुआ आना और ये आता गया +40 तक। उसके बाद क्या हुआ, पोटेशियम के दरवाजे खुले, पोटेशियम ने बाहर जाना शुरू किया, कब तक गया, +40 से दोबारा -65 तक। उसके बाद ये सोडियम पोटेशियम पम्प था, इसने क्या किया, दोबारा से सही कर दिया। अब इस हिस्से के अंदर जो चेंज आया इसे आपने एक्शन पोटेंशियल का, अब ये जो अगला हिस्सा है, क्योंकि न्यूरॉन तो बहुत लंबा है, अभी तक मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक तो गया ही नहीं है, तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाने के लिए इस मैसेज को फैलना पड़ेगा पूरे न्यूरॉन में। तो अब चेंज यहाँ पर आएगा, यहाँ के सोडियम के दरवाजे खुलेंगे, फिर सोडियम अंदर आएगा, फिर यहाँ के पोटेशियम के दरवाजे खुलेंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा, और फिर दोबारा से सोडियम पोटेशियम पम्प इसे रिवर्स करेगा। उसके बाद इस रीजन के अंदर चेंज आएगा, लेकिन हर जगह टच करने की ज़रूरत नहीं होती, टच आपने सिर्फ यहाँ किया था। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ टच करेंगे, फिर यहाँ टच करेंगे, फिर यहाँ टच करेंगे, तो इस तरह से चेंज आएगा। बेसिकली होता क्या है, जो सोडियम यहाँ से आता है, जो सोडियम यहाँ से अंदर आता है, वो बेसिकली थोड़ा सा आगे जाके इस वाले गेट को खोलता है, क्योंकि सोडियम एक चार्ज आयन है, तो इस चार्ज की वजह से इस वोल्टेज के अंदर कुछ सॉरी इस गेट के अंदर, इस प्रोटीन के अंदर कुछ ऐसा काम होता है कि इसका जो गेट है वो खुल जाता है, बिकॉज ये वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं। जब यहाँ से सोडियम अंदर आते हैं तो वो लीक करके जाता है थोड़ा सा, और अगले वाले दरवाजा, अगला जो अगली जो प्रोटीन है उसका गेट खोल देता है। यहाँ से जो सोडियम आता है वो अगला गेट खोल देता है, एंड दिस इज हाउ
जो चेंज एक रीजन के अंदर आया था, जिसे आपने एक्शन पोटेंशियल का नाम दिया था, जो डीपोलराइजेशन हुई थी, जो रीपोलराइजेशन हुई थी, वो एक रीजन के अंदर आने वाला चेंज पूरे न्यूरॉन में फैलना शुरू कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके बाद हमने जो लास्ट चीज़ है उसके ऊपर बात करनी है, वो है साइनैप्स। साइनैप्स मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली कनेक्शन कहलाता है दो न्यूरॉन्स का। बेसिकली होगा क्या, जो हमने देखा कि प्रोपेगेशन होगी, ये प्रोपेगेशन तब तक होगी जब तक न्यूरॉन ख़त्म नहीं हो जाता। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर एक न्यूरॉन ख़त्म होगा, वहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा। तो अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड साइनैप्स। ठीक है, ये वो रीजन है जो साइनैप्स कहलाता है। अच्छा भाई, अब हमने ये तो देख लिया कि साइनैप्स वो रीजन होता है कि जहाँ पर मैसेज जो है, या जिसे नर्व इम्पल्स कहते हैं, वो मूव करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर, उसे हम साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊँ ये साइनैप्स कैसा दिखता है। तो भाई ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये किसी का डीजनरेटेड न्यूरॉन है, ठीक है जी। ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये इसका एग्जॉन है, ये एग्जॉन टर्मिनल है। अब यहाँ से मैसेज चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, यहाँ से मैसेज चलता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पे न्यूरॉन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये न्यूरॉन जो है ना, ये पास करेगा मैसेज अगले न्यूरॉन को। तो ये हमारे पास अगला न्यूरॉन है, ठीक है। ये हमारे पास अगला न्यूरॉन है और ये इसका डेंड्राइट है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से इसका डेंड्राइट और ऊपर वाले का एग्जॉन जो है, ये आपस में मिलकर एक कनेक्शन बना रहे हैं, एंड दैट कनेक्शन इज कॉल्ड साइनैप्स। तो बेसिकली यहाँ से जो मैसेज आ रहा है वो अब यहाँ जाएगा, और ये जो बेसिकली कनेक्शन बन रहा है, दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। अब साइनैप्स के अंदर क्या तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहला तो ये वाला न्यूरॉन है, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट न्यूरॉन जिसके थ्रू मैसेज आ रहा है, एंड दिस इज द सेकंड न्यूरॉन जिसके पास मैसेज जाएगा। तो ये पहला न्यूरॉन कहलाता है प्री साइनैप्टिक। प्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये साइनैप्स से पहले है। साइनैप्स तो कनेक्शन है, तो कनेक्शन से पहले वाला न्यूरॉन प्री साइनैप्टिक और बाद वाला न्यूरॉन कहलाता है पोस्ट साइनैप्टिक। और इन दोनों के दरमियान आपको बारीक सी स्पेस नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल ये एक है, ये दूसरा है, तो ये बेसिकली बीच में एक स्पेस है। दिस इज कॉल्ड अ क्लेफ्ट, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि हमने देखनी है, ये तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात, कई बार ऐसा होता है कि न्यूरॉन न्यूरॉन को मैसेज देता है, लेकिन आपने पढ़ा है कि आपका एक न्यूरॉन होता है सेंसरी, पहले आपका रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से मैसेज जाता है सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज देता है किसे, इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन मैसेज देता है मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन आकर इफेक्टर पे ख़त्म होता है। अब ये इफेक्टर जो है ना, या तो ये कोई मसल होता है या ये कोई ग्लैंड होता है। तो देखिए यहाँ से जो मैसेज गया, जो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ वो साइनैप्स है, जो यहाँ पर बना वो भी साइनैप्स है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन पे ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि वो किसी मसल के ऊपर ख़त्म हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसे नाम देते हैं मोटर एंड प्लेट का। जहाँ पर न्यूरॉन मैसेज देता है किसे, मसल की मेम्ब्रेन को मैसेज देता है, तो इसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है साइनैप्स की। ये हमारे पास वाला न्यूरॉन है जिसके थ्रू मैसेज आ रहा है, और ये वाला न्यूरॉन है जिसको आगे मैसेज देना है। तो ये पहला न्यूरॉन हुआ, ये दूसरा न्यूरॉन हुआ, इसे हम कहेंगे प्री साइनैप्टिक। तो ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है और ये है पोस्ट साइनैप्टिक। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपने न्यूरॉन के पार्ट्स पढ़े हों तो आपको पता है न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं। बीच में सेल बॉडी होती है, और एक तरफ प्रोसेसेस होते हैं और दूसरी तरफ प्रोसेसेस होते हैं। इसमें एक डेंड्राइट होता है और एक एग्जॉन होता है। अगर मैसेज यहाँ से आ रहा है यहाँ जा रहा है, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा डेंड्राइट, ये वाला पार्ट कहलाएगा एग्जॉन, क्योंकि वो पार्ट जो मैसेज लेकर आता है सेल बॉडी तक या सोमा तक, वो डेंड्राइट कहलाता है। तो अगर ये वाला पार्ट मैसेज न्यूरॉन से दूर लेके जा रहा है, तो ये वाला पार्ट बेसिकली है उस न्यूरॉन का एग्जॉन। तो जो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन होती है, जो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन होता है, वो बेसिकली एग्जॉन होता है। और जो पोस्ट साइनैप्टिक होता है, अब ये यहाँ से मैसेज रिसीव करके किसको देगा, सेल बॉडी को देगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डेंड्राइट है। तो आपने ये याद रखना है कि प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन जो है ना, ये जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली एग्जॉन की है, ये एग्जॉन टर्मिनल है। और जो पोस्ट साइनैप्टिक है, ये बेसिकली डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको नज़र आ रही होंगी कुछ तो वही चीज़ें जो आपने पहले देखी हैं। ये वही चैनल है किसका है, ये सोडियम का। ये वही चैनल है जिसका, जो किसका है, पोटेशियम का। ये एक एक्स्ट्रा चैनल आपको नज़र आ रहा है, ये चैनल है कैल्शियम का। ये बिल्कुल आखिर में लगा हुआ होता है, साइन एग्जॉन टर्मिनल के ऊपर लगा हुआ होता है। और एक और आपको कुछ बैग्स नज़र आ रहे हैं एग्जॉन टर्मिनल के अंदर, एग्जॉन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में। दीज आर कॉल्ड वेजिकल्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड वेजिकल्स। इन्हें साइनैप्टिक वेजिकल्स भी कहते हैं, या इन्हें खाली वेजिकल्स भी कहते हैं। इसके अंदर एक अदद केमिकल होता है, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ये वो केमिकल है जिसके थ्रू जो मैसेज है वो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक जाएगा।
यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा वही काम हो रहा है, मैसेज यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ना, तो सोडियम अंदर जाएगा, कब तक जाएगा? -65 से +40 तक। उसके बाद पोटेशियम बाहर आएगा, कब से कब तक आएगा? +40 से दोबारा -65 तक। उसके बाद सोडियम पोटेशियम पम्प उसे दोबारा से रिवर्स कर देगा। जब ये मैसेज पहुंचता है न्यूरॉन के एंड तक, यानी एक्सॉन टर्मिनल तक, ये जो कैल्शियम के दरवाजे हैं ये पहले बंद थे, जैसे ही मैसेज यहाँ तक पहुँचता है, यानी एक्शन पोटेंशियल प्रॉपगेट होकर आखिर तक आता है, कैल्शियम के दरवाजे खुल जाता है। ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो कि बेसिकली स्पेस है, यहाँ पे कैल्शियम बड़ा होता है। ये जो आपको कैल्शियम नज़र आ रहा है, जैसे ही दरवाजे खुलते हैं कैल्शियम अंदर आ जाता है। इस कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो अम्मी कहती है ना कि दूध पी लो, कैल्शियम खा लो, ये सिर्फ बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कैल्शियम आया आपको नज़र आ रहा है, कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 होता है। तो बेसिकली कैल्शियम के 2 हाथ हैं। कैल्शियम क्या करेगा, एक हाथ से पकड़ेगा इस बैग को और एक हाथ से पकड़ेगा इस मेम्ब्रेन को, और इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करवा देगा। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, तो आपने पढ़ा है एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर जाने का प्रोसेस। तो बेसिकली जब ये दोनों मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ हो जाएंगी, तो बीच में एक खाली जगह बन जाएगी, उस खाली जगह से ये जितना भी अंदर केमिकल था ये बाहर आ जाएगा। अच्छा भाई, तो कैल्शियम जो आया था उसने क्या किया, बैग को पकड़ा और इसे मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करवा दिया, जिसकी वजह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल हैं ये बाहर आ गए। अच्छा, ये था अभी तक प्री साइनेप्टिक के अंदर काम, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चैनल बनाया, इसको मैंने गलत कलर से बना दिया। ये वही चैनल है जो आप पहले देखते आए हैं, दिस इज़ द चैनल फॉर सोडियम, ठीक है, इसको मैं इसी कलर से बना रहा हूँ, दिस इज़ द चैनल फॉर सोडियम। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि इस सोडियम के चैनल के साथ एक अदद कुछ आपको ये लटकता हुआ नज़र आ रहा है। ये बेसिकली समझ लें रिसेप्टर है इस केमिकल के लिए, यानी ये सोडियम का चैनल तब ओपन होता है, ये सोडियम का दरवाज़ा तब खुलेगा जब ये वाला केमिकल, जिसे आप न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो आकर यहाँ बैठेगा। तो कैल्शियम ने क्या करवाया, बैक को फ्यूज़ करवाया, वेसिकल को फ्यूज़ करवाया, वेसिकल के फ्यूज़ होने से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आया, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आकर बैठेगा। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आकर बैठेगा, सोडियम का दरवाज़ा खुल जाएगा और इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो सोडियम मौजूद है वो अंदर जाना शुरू करेगा। ये सोडियम जब अंदर जाएगा, तो अगेन ये -65 पे था ना अभी, क्योंकि ये रेस्ट कर रहा था, तो सोडियम अंदर जाना शुरू करेगा, कब तक जाएगा, -65 से +40 तक जाएगा। अच्छा, जब यहाँ से सोडियम अंदर जाता है, तो यहाँ पर और सोडियम के दरवाजे लगे हुए होते हैं, ये उन्हें एक्टिवेट करता है, तो सोडियम यहाँ से अंदर आना शुरू कर देता है। फिर वही काम होगा, सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, और वही काम जो ऊपर से होता हुआ आ रहा था, अब इस न्यूरॉन के अंदर वो कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेन काम यहाँ पर क्या हुआ, जब भी जो एक्शन पोटेंशियल है वो बिल्कुल आखिर तक पहुँचता है, तो कैल्शियम के चैनल जो हैं वो खुल जाते हैं, कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आने के बाद बैग्स को फ्यूज़ करवाता है, बैग्स के अंदर से केमिकल रिलीज़ होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ये जो केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर जिसे कहते हैं, ये जाकर अपने रिसेप्टर पर बैठता है जो सोडियम के चैनल के साथ अटैच होते हैं, इसके बैठने से सोडियम का चैनल खुलता है, सोडियम अंदर जाता है, और फिर वही कहानी जो पहले हम पढ़ते आए हैं, सोडियम का अंदर आना, पोटेशियम का बाहर जाना, वो कहानी अगले न्यूरॉन में स्टार्ट हो जाती है। इस पूरे न्यूरॉन में ये काम होगा, एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पर जनरेट हुआ है वो प्रोपेगेट करेगा, फिर वो जब आखिर तक पहुँचेगा, आखिर तक पहुँचने के बाद दोबारा से साइनैप्स बनेगा, फिर वहाँ पर यही काम होगा। इस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, जो बेसिकली क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, उसके बाद बीच में स्पेस होती है साइनेप्टिक क्लेफ, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ पर कुछ बैग्स होते हैं जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें ये आपने याद रखना है एसिटाइल कोलिन, क्योंकि आपके जो मसल्स वर्क करते हैं वो इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से करते हैं, एसिटाइल कोलिन की वजह से। नॉरएपिनेफ्रीन, ठीक है, दिस इज अनदर न्यूरोट्रांसमीटर, नॉरएड्रेनालिन, ग्लाइसिन है, गाबा है, सेरोटोनिन है, डोपामिन, डोपामिन भी याद रखना है, क्योंकि ये आप नर्वस सिस्टम के अंदर देखेंगे, एक बीमारी होती है जिसे पार्किंसन कहते हैं, उसके अंदर ये काम हो जाता है। अच्छा जी, तो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके बाद क्या होता है, जब नर्व इंपल्स एंड तक पहुंचती है, तो कैल्शियम के जो चैनल हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आने के बाद क्या करवाता है, वेसिकल्स को फ्यूज़ करवाता है। जब वेसिकल फ्यूज़ होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होने के बाद अपने रिसेप्टर पर बैठता है, वो कहाँ होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ये वहाँ पर बैठता है, तो वहाँ पे जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, कैसे, सोडियम के दरवाजे खुलते हैं, सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। बुक की जो डायग्राम है वो ये है, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ, बहुत आसान सी डायग्राम है। तो ये अगर आप देखें, पहले इसे देखें, ये हमारे पास साइनैप्स है, ठीक है, उसके बाद ये भी साइनैप्स है, पहले ये है फिर ये है। तो
ये जो ऊपर वाली लेयर, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, दिस मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो ऊपर वाला न्यूरॉन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और बीच की जो स्पेस आपको नज़र आ रही है जहाँ पर कैल्शियम पड़ा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से मैसेज चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब सोडियम अंदर जा रहा है, पोटेशियम बाहर आ रहा है, डीपोलराइजेशन हो रही है। जब ये मैसेज एंड तक पहुँचता है तो कैल्शियम के चैनल खुल जाते हैं, कैल्शियम अंदर जा रहा है। ये आपको जो बैग नज़र आ रहे हैं, दीज आर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जब ये कैल्शियम अंदर जाएगा तो कैल्शियम अंदर जाने के बाद पहले देखें, बैग जो है वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ हुआ, यहाँ पर बैग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो गया। जब ये बैग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आता है। ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, देखें अभी ये रिसेप्टर खाली बैठे हुए थे, अब ये मॉलिक्यूल जाके इन रिसेप्टर के ऊपर बैठ गया। जैसे इन रिसेप्टर के ऊपर बैठा, सोडियम ने अंदर जाना शुरू किया, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और काम आगे होगा। यहाँ पर इन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये हमारे पास वो है वेसिकल है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा ये बैग फ्यूज़ हो जाएगा मेम्ब्रेन के साथ, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। जब ये बैग फ्यूज़ होगा तो ये केमिकल बाहर आएगा, इस केमिकल के लिए रिसेप्टर लगा हुआ, ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर पर बैठेगा, जिसकी वजह से ये जो दरवाज़ा है सोडियम का ये खुल जाएगा और सोडियम अंदर जाना शुरू कर देगा। तो ये बेसिक सी डायग्राम है। अच्छा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए क्योंकि ये बनाने के लिए, पैक करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये काम हो जाएगा, यानी जब न्यूरोट्रांसमीटर ने मैसेज दे दिया और मैसेज आगे चला गया, अब इस केमिकल को यहाँ नहीं छोड़ना। उसका रीज़न यह है कि अगर ये केमिकल यहीं रहेगा तो ये बार बार अपने रिसेप्टर पर जाकर बैठेगा और बार बार मैसेज जाएगा। अगर आपने टच एक बार किया है तो एक बार मैसेज जाना चाहिए ना, लेकिन अगर ये केमिकल यहीं पड़ा रहेगा तो उससे ये होगा कि ये बार बार जाके अपने रिसेप्टर पर बैठेगा तो सोडियम अंदर जाना शुरू करेगा, तो बार बार मैसेज जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि बार बार टच हो रहा है। तो इसके लिए होता यह है कि एक एंजाइम मौजूद होता है यहाँ पे, वो एंजाइम क्या करता है, देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये दो पीसेस का बना हुआ है केमिकल, तो उस केमिकल को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। जब इस केमिकल को दो पीसेस में तोड़ दिया गया तो अब ये अपना काम नहीं कर सकता। फिर इसके साथ क्या किया जाता है, इसे वापस से उसी न्यूरॉन में ले लिया जाता है जहाँ से ये रिलीज़ हुआ था, यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, और उन दो पीसेस को दोबारा जोड़ा जाता है और जोड़ के दोबारा उन्हें बैग में बंद कर दिया जाता है ताकि उसे दोबारा से इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इन्हें दोबारा से रीयूज़ कर लिया जाता है, इन्हें ज़ाया नहीं किया जाता। तो ये थी कहानी साइनैप्स की और ये थी पूरी कहानी नर्व इम्पल्स की। अब ये जो बुक के अंदर शुरू में जो डायग्राम है, पहले मैं वो दिखा दूँ आपको ज़रा सा, शायद उससे भी कुछ काम बन जाए। देखिए भाई, ये हमारे पास स्क्विड है, ठीक है, इसकी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो निकाल कर दिखाई गई है। इस वक्त जो हालत है ये रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है, तो आपको नज़र आ रहा है प्लस चार्ज बाहर है, माइनस चार्ज अंदर है, ठीक है, ऐसे ही होता है। और जो वोल्टेज मेजर किया गया वो कितना है, वो है -65 mV। यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वो है एक्शन पोटेंशियल। अब इस एक्शन पोटेंशियल के अंदर देखें हो क्या रहा है, हर जगह आपको प्लस चार्ज नज़र नहीं आएगा। जब न्यूरॉन रेस्ट में था तो पूरा का पूरा प्लस था, अब अगर आप देखें तो आपको एक जगह के ऊपर नज़र आ रहा है माइनस। बेसिकली यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिलने की वजह से सोडियम के दरवाजे खुले, सोडियम अंदर चला गया। जब सोडियम बाहर से चला गया तो बाहर नेगेटिविटी फैल गई, और सोडियम जब अंदर आ गया तो अंदर पॉजिटिविटी फैल गई। बेसिकली यहाँ पर हुई है डीपोलराइजेशन, इसका मतलब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल हुआ है। अब ये एक्शन पोटेंशियल इसके बाद इस पार्ट के अंदर होगा, फिर इस पार्ट के अंदर होगा, फिर इस पार्ट के अंदर होगा। और याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, याद रखने वाली बात है कि अगर ये ओवरऑल प्लस था, यहाँ पर अगर चेंज आया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब जब ये चेंज यहाँ आएगा ना, जब ये माइनस और ये प्लस होगा तो ये दोबारा से सही हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कहने वाली बात ये है कि जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता जाता है, पीछे रीपोलराइजेशन होती जाती है। जैसे जैसे डीपोलराइजेशन आती आगे बढ़ती जाएगी रीपोल, तो ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था कि पूरा का पूरा नेगेटिव है, पूरा का पूरा नेगेटिव, ऐसा होता नहीं है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, जिस वक्त यहाँ पे नेगेटिव होगा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो बेसिकली जब यहाँ रीपोलराइजेशन, यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगी, यहाँ रीपोलराइजेशन हो जाएगी। जब यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगी, यहाँ पर रीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो यही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो मैसेज है यहाँ पर पहुँचा है तो ये यहाँ से गुजर चुका है। जब ये यहाँ से गुजर चुका है तो यहाँ पर आपको देखें दोबारा से वही कंडीशन नज़र आ रही है, प्लस बाहर माइनस अंदर। जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल चल रहा होगा वहाँ पर माइनस बाहर होगा, प्लस अंदर होगा। ये डायरेक्शन है नर्व इम्पल्स की। अच्छा, ये एक छोटा सा ग्राफ है, ये मैं ज़रा दूसरी डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ, यहाँ पर इतना क्लियर नहीं। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप करके बड़ा कर दिया है। अच्छा देखें, इसके अंदर आपके लेवल के ऊपर जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये वाली कंडीशन जो है ये रेस्टिंग कंडीशन है, जिसके ऊपर -65 mV था, ठीक है। उसके बाद सोडियम जो है वो अंदर आना शुरू कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये -65 से ये जा रहा है किस तरफ,
-40, उसके बाद ये -20, उसके बाद ये 0 और चलता चला जा रहा है। किस पॉइंट के ऊपर जाके रुक रहा है ये? +40 के ऊपर। तो बेसिकली ये वाला जो पूरा फेज़ है ये कहलाता है डीपोलराइजेशन, और ये जो डीपोलराइजेशन है ये सोडियम के अंदर आने की वजह से हुआ है, इतना आपने याद रखना है। उसके बाद अगर आप देखें तो +40 के बाद आपको पता है कि सोडियम के चैनल हो जाते हैं बंद और पोटेशियम के चैनल खुल जाते हैं। जब पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा तो ये +40 से जो चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो +40 से कम होके +30, +30 से कम होके +20, +20 के बाद 0 पे आया, और 0 के बाद आने के बाद मुसलसल पोटेशियम जो है वो कम होता जा रहा है, तो ये दोबारा कहाँ आ गया? -65 mV पे। ये स्टेप कहला रहा था रीपोलराइजेशन, और ये पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से होता है। तो डीपोलराइजेशन सोडियम के इनवर्ड मूव करने की वजह से है, और रीपोलराइजेशन जो है वो पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से है। इतना अगर आप इस डायग्राम के अंदर देख लें तो आई थिंक इनफ होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे।